बिखै बिख खाय अमृत छाड़ बिखै बिख खाय माया मोह परम पै भूले सुत दारासो प्रीत लगाए एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर खथ सतना धन वाहे गुरु साहिब जियो आशा बाणी श्री रविदास जियो की एक ओंकार सत गुर प्रसाद मृग मीन परिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख आसाद जामह ताकि के तक आस मृग मीन परिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख आसाद जामह ताकि के तक आस मादो अविद्या खित कीन बभेक दीप मलीन रहाओ त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलब तही संगत पोच
जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए, काल फांस अभद लागे कछ ना चले उपाय। रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै करन परमानंद करो निदान। रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै करन परमानंद करो निदान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे इस विशेष गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी पर रहे हो। हुणे ही सन्मान योग भाई साहब भाई निरंजन सिंह जी आप जी नू खजूर दी इलाही गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण करा रहे सन, और कीर्तन दे अंदर उस मालक दे चरणा विच अरदास, सतगुरु दे चरणा विच बेनती है कि हे सतगुरु, इस भव सागर दियां व्याप रहियां लहरां तों तुसी तरस करके सानू बचा लवो। एक गल बड़ी स्पष्ट है, अडोलता सिद्धक भरोसा विश्वास ए परमात्मा दी दात है। जिस उपल मालक तरस करदा है उसनू भरोसा विश्वास सिद्धक ते अडोलता दी दात बख्श देंदा है। पर ए कुछ आउन तो बाद भी सब तो वड्डी ताकत है अरदास। जदों अरदास मनुख अपनी जिंदगी विच करदा है ते अरदास दा संबंध केवल संसारक पदार्थां तक नहीं, अपने अंदर दे जीवन नू तत्ते झोलियां तो बचाण लई भी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बहुत थाई अरदास कीती गई है। जिवें असी भगत नामदेव जी दा शब्द पढ़ने खां के लोभ लहर अत नीचर बाजे काया डूबे केशवा, संसार समुंदे तार गुबिंदे तार ले बाप बीठुला। हुणे असी हजूर दे बचन पढ़े, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ए उस मालक दा तरस है। आओ इस स्थान ते शाम दे इस पहले दीवान विच जो भगत रविदास जी दी पवित्र बाणी दी विचार पिछले साल भी इत्थे कीती सी गुरुद्वारा सैन होजे विखे भी भगत साहिब जी दे अमृत बचना दी लड़ीवार विचार आपां करदे आ रहे हां।
अज दा शब्द राग आशा अंदर भगत रविदास साहब जी का उचारण किया हुआ दर्ज है। इस शब्द की आरंभता भगत साहब जी ने पांच जीवां का जिक्र किया है, जिस विच हरन, मच्छी, भवरा, भंबट पतंगा ते हाथी है। इन्हां पांच जीवां कोल सिर्फ एक एक दोक है ते एक एक दोक दे नाल इन्हां पंजां दा जीवन, इन्हां दी जिंदगी दा अंत हो जांदा है एक एक दोष करके। ते भगत साहिब कहिंदे ने जिस मनुख दे अंदर इकल्ले विच पांच दोक ने उस दी बचन दी किन्नी कु आस हो सकदी है। आओ इस तुक नूं आपां अज विचारांगे। आप जी बख्शो आसीस, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कृपा करन साडे अंदर नूं टिका बख्श के आप ही गुरु शब्द दी रोशनी विच विचार करा लैन। प्यार अदब दे नाल बख्शो आसीस और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। भगत रविदास जी अज दे इस पवित्र शब्द दे अंदर मनुख दे अंदर नू जो खंडाउन वालियां बिरतियां ने ते जिन्ना बिरतियां पिछे ख्यालां पिछे लग के इंसान कई बार अपने आचरण तो अपने चरित्र तो भी तिलक जांदा है, उन्हां बिरतियां दा भगत साहिब जी ने जिक्र किया है। इस विच पांच दोखां दा जिक्र है, पर आपां थोड़ा जिहा विस्तार नाल पिछोकड़ इस देही दी आरंभता तो लैके इस नूं पांच दोख किवें व्यापदे ने ते गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी विच इन्हां तो किवें बचा हो सकदा है, सिर्फ यह ही विचारन दा यतन करांगे। पहली बेनती कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी दे अंदर हजूर सच्चे पातशाह जी ने जदों इस देही दे बंतर दा जिक्र किया उत्थे प्रभु दे हुक्म दा जिक्र, परमात्मा वल्लों घले जाण दा जिक्र जां परमात्मा वल्लों वापर रहे भाणे करके मिली कोई देही दा जिक्र किया। पर जदों होर विस्तार नाल महाराज जी ने हुक्म तो अगे कि इस दी बंतर इहदी खोंद इह किवें कायम होई ते उस संबंधी बाणी विच भगत साहिबान ने गुरु साहिबान जी ने एक गल बड़ी सांझी कीती ते मैं इह अर्ज करनी कि इन्हां दी विचार करदिआं एक बेनती है कि अपने अंदर दे टिका नूं बना के मता कोई इन्हां शब्दां दे अर्थ अपने ढंग नाल जां किते शब्दां दे अर्थ करदिआं अंदर ख्याल होर पैदा करी जाए। भगत साहिब जी दे बचन ने, गुरु साहिबान दे बचन ने, हजूर ने फरमाया पानी मैला माटी गोरी। इस शरीर दी बंतर तों पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, इस मिट्टी दी रब ने परमात्मा ने ए मनुखा देही पुतली बना दिती ते दो शब्द कहने पानी मैला पिता का बिंद, मां दा खून लाल खून। उथे अर्थ यही कीते पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, ए शरीर दी बंतर बनी। धन गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इस शरीर की जदों गल की भावें असी खड्डियां दा मिज दा ढांचा कहने, खड्डियां दा ढांचा है, पर हजूर ने उत्ते शब्द वरत्या
कि असल विच एदी खोंद सिर्फ एक पानी दी बूंद है। काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग रकत चरमने। काच कोटंग दा मतलब कच दा एक किला, रचंत तोयंग जिस दी रचना तोए दा अर्थ है पानी। रचंत तोयंग महाराज कहने काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग रकत चरमने, जिस ऊपर लेपन महाराज जी ने खून दा और चमड़ी दा कर दिता। जैतसरी की वार विच गुरुदेव दा इसे तरह एक बचन है, रकत बिंद कर निम्या अगन उदर मजार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक कोर गुबार। उथे भी रकत ते बिंद दा जिक्र किया गया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इन्हां शब्दां दी व्याख्या लई श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास साहब उन्हां दी रचना विच एक पौड़ी है। भाई गुरदास साहब दे बचन ने वो थोड़ा जिहा पौड़ी दी व्याख्या अज दे शब्द दे अर्थ करन वास्ते जरूरी है। उन्हां दा शब्द है कि रकत बिंद कर निम्या, चित्र चलित्र बचित्र बनाया, गर्भ कुंड विच रखिया, जियो पाए तन साज सुहाया, मूह अखी दे नक कन हाथ पैर दंद वाल गनाया, दिष्ट शब्द गत सुरत लिव राग रंग रस परस लुभाया, उत्तम कुल उत्तम जन्म रोम रोम गण अंग बनाया, बाल बुद्ध मूह दुध देकर मल मूत्र सूत्र विच आया, खोए सियाणा समझिया करता छड कीते लपटाया, गुर पूरे विण वोया माया। इस पौड़ी नूं थोड़ा जिहा विचार ले भगत रविदास साहब जी दी शब्द दी आरंभता वास्ते कि पंज दो किवें व्यापदे ने। सीधे शब्द भी आपां अर्थ कर सकने, सिर्फ जो गुरमत दी रोशनी ने कहा भी तन दी बनतर एक किवें वजूद बनदा है ते केड़ी केड़ी शक्ति केड़ी केड़ी ताकत इन्हां इंद्रियां राही इस दे अंदर व्यापदी है। भाई गुरदास साहब दे बचन ने रकत बिंद कर निम्या एदी उपज कोई। अगे वह कहिंदे ने चित्र चलित्र बचित्र बनाया, उस परिपूर्ण परमात्मा ने पानी दी इस बूंद तो एक चित्र दर ते तस्वीर बना दिती, पर यह तस्वीर नरजिंद नहीं। इनू बड़ा बचित्र हैरान कुन एदे विच परमात्मा ने अपनी बख्शिश टिका दिती। रकत बिंद कर निम्या चित्र चलित्र बचित्र बनाया, तो अगे कहिंदे ने गर्भ कुंड विच रखिया, इस नूं अग दे कुंड विच परिपूर्ण परमात्मा ने बचाया। जियो पाए उसने एदे विच जिंद पा के जीव टिका के पिंड नूं साज दिता। कह रहे ने कि गर्भ कुंड विच रखिया जियो पाए तन साज सुहाया, उस परमात्मा ने इस तन विच जियो टिका दिता ते इस तन नूं इस ढंग दे नाल सजाया, इनू सवारिया इनू शिंगारिया। असी सुखमनी साहब विच भी धन गुरु अर्जुन साहब जी का पदा पढ़ने हाँ कि रमैया के गुण चेत पुरानी, कवल मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया। इत्थे तीन शब्द ने साजिया सवारिया ते तीसरा शब्द है शिंगारिया। साजन का अर्थ एदी खोंद एदी सिरजना की पैदाइश की। फिर उन्हें अगली कृपा की कि साजन तो बाद इनू सवारिया। सवारिया का अर्थ पूरे दे पूरे तन दे जड़े इंद्रे ने इन्हां थां पर थां परमात्मा ने सवार के ला दिता। एक एक नाड़ी एक एक हड्डी एक एक बंदे दी बरीक तो बरीक सूक्ष्म नाड़ी भी परमात्मा ने सवार के लाई है। महाराज कहिंदे ने फिर कल्ला सवारिया नहीं, यह नहीं कि उन्हें नाड़ियां पैदा कीतियां खड्डियां बना दित्तियां मिज बनाई, उन्हें ढांचा खुला नहीं छड़िया। अगे महाराज जी ने कहा उन्हें साजिया सवारिया ते अगली कृपा की शिंगारिया, उन्हें सब कुछ बना के एदे उत्ते चन तन उपर चमड़ी का लेपन कर दिता, बंदे दे सारे तन नू ढाके नू शिंगार कर दिता। इनू भाई गुरदास साहब थोड़ा जिहा व्याख्या नाल कहिंदे कहिंदे ने जियो पाए उन्हें जिंद पा के इस पिंड नू सवार दिता कि रकत बिंद कर निम्या चित्र चलित्र बचित्र बनाया, गर्भ कुंड विच रखिया जियो पाए तन साज सुहाया। ते जदों उन्हें तन सुहाया अगे कहिंदे ने मूह अखी नक कन हथ
ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ, ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਦੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਏ। ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਚਿੱਤਰ ਚਲਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜ ਸੁਹਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੰਦ ਵਾਲ ਗਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਗਤ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਓ। ਆ ਮੂੰਹ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਨ ਕੇਵਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਗਤ। ਹੁਣ ਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਨ ਵਿੱਚ ਖਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਗਤ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਲਿਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਰਸ ਪਰਸ ਲੁਭਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗਤ ਦੀ, ਸੁਰਤ ਦੀ, ਲਿਵ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਰਸ ਪਰਸ ਲੁਭਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਕੁੱਲ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਜਨਮ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਗਣ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗਿਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਗ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਗਣ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਦਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹੋਏ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਰਤਾ ਛੱਡ ਕੀਤੇ ਲਪਟਾਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ, ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ, ਉਦਣ ਸੱਚ ਏਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਰਤਾ ਛੱਡ ਕੀਤੇ ਲਪਟਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਿਣ ਮੋਇਆ ਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਛਲ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਵਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਧਨ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਤਿਆਗੈ, ਉੱਪਰ ਚਰਨ ਤਲੈ ਆਕਾਸ਼, ਘੱਟ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਾਖਣ ਪਾਛੈ ਦੂਧ, ਮੈਲੋ ਕੀਨੋ ਸਾਬਣ ਸੂਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਇੰਧਨ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਇੰਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਇੰਧਨ ਹੈ, ਜਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਕੜ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਆ ਸਲਾਈ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਗ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂ? ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਸਾੜੇਗੀ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਅਦਭੁਤ ਖੇਡ ਰਚੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕੇ। ਇੰਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਨੇ ਅਖਰੀ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਿਆਗੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਲਾ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਚਰਨ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤਲੇ ਆਕਾਸ਼, ਪਰ ਗਗਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਿਨੋ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਘੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਮ, ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਟਿਕਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਗਗਨ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਮੱਖਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਮੱਖਣ, ਪਾਛਾ ਹੈ ਦੁੱਧ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਂਝ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਮੱਖਣ, ਪਾਛਾ ਹੈ ਦੁੱਧ, ਮੈਲੋ ਕੀਨੋ, ਸਾਬਣ ਸੂਦ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਧੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਵੇਤ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਵਰਤ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੇਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾੜ ਜਰੈ ਜਿਉਂ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੈ ਜਿਉਂ ਘਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਬੋਡੀ ਸੜੇਗੀ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਸੜੇਗੀ, ਖੱਡੀਆਂ ਸੜਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੰਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਨੇ, ਮਿੱਝ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਖਾਰੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਅਗਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋ ਸੋ, ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪੱਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ। ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ,
अग्नि इहनूं साड़दी जिस्म नूं, माटी को जल दै दिस त्याग है, खै तां इह मिट्टी दा इक पुतला। महाराज कहिंदे ने इस मिट्टी दे पुतले दे, इस मिट्टी दे वजूद दे चार चवेरे अग ते दसे पासे पाणी। हुण देखो अपना तन, अज आपां दो चार पांच सत घंटे किते पाणी च कम करिए ते साडे हत्थां दीआं उंगलियां उहनां दा मास चिट्टा हो के भुरन लग पैंदा है। पानी विच ज्यादा समा रहांगे ते मास ऐसता ऐसता जिहड़ा वह चिट्टा हुंदा गल लग पैंदा है। पर महाराज कहिंदे ने कि हालांकि यह चमड़ी हुण दिन ब दिन कठोर भी हो गई, सख्त हो गई, पर एक बच्चे की चमड़ी तो अत की कोमल है जिहदा अजे जन्म ही नहीं होया। जे सख्त चमड़ी कोई समा पानी च रखीए तो उस चमड़ी के अंदर तब्दीली आ जाती है, वह भी भुरन लग पैंदी है, गल लग पैंदी है। पर महाराज कहिंदे ने कि देख ये मिट्टी का कोमल जिहा एक टुकड़ा ते इहदे दसे पासे पानी, परमात्मा ने उस पानी विच ना इहनूं खुरन दिता ते ना इहनूं गल दिता है। इंदन ते बसंतर भाग है, माटी को जल दै दिस त्याग है, उपर चरण पैर उपर ने, तलै आकाश आकाश दर ते गगन, गगन का अर्थ होर कर लीए ते साडा असिर, उपर चरण तलै आकाश घट मैं कीनो सिंध प्रगाश। उस परमात्मा ने निक्के जै इस सैल विच, निक्की जी जीव आत्मा कह लो जीव विच अपनी सत्या टिका दित्ती, घड़े विच उस समुंदर ने प्रवेश कर गया। घट मैं कीनो सिंध प्रगाश प्रथम है माखन, अजे मनुख का जन्म नहीं होया, पर परमात्मा नू एदी रोजी दा एदी रोटी दा प्रबंध ज्यादा है। सच एवे कि जदो बंदा खुद रोटी की चिंता करता है उदो कई बार भुखा मरदा है, ते जदो एदे कोल जबान नहीं, खत नहीं, पैर नहीं, कोई चीज तन दा शरीर दा अंग बार मुखी ज्यादा कम नहीं करता, उदो परमात्मा एदे जन्म तो पहला रोजी दे दिंदा है। सतगुरु ने बाणी विच कहा, कहन लगे पहलों देता है रिजक समा, पिछों देता है जंत उपाह। पहला रिजक दिता बाद भी जीव पैदा किया। इत्थे महाराज कहिंदे प्रथम है माखन, जो बच्चे की फीड, जो बच्चे की खुराक है, अजे जन्म विच कुछ समा पिया है, पर परमात्मा ने मां दे सीने विच उस बच्चे की खुराक लई स्टोर यूं कह लो दुध नूं मक्खन बना के जमा दिता, ते जदों बच्चे का जन्म होया तां गुरु अर्जुन साहब ने उस जम्मे हुए मक्खन नूं परमात्मा ने दुध भी तब्दील कर दिता। प्रथम है माखन, पांच है दूध, मैलो कीनो साबण सूद, ते वह दुध है की कहिंदे ने मां का खून है। जे किते वह खून एक बूंद बार मुखी तन दे बस्तर ते डिगदा है, आपां कहिंदे आ कपड़ा मैला हो गया। उस परमात्मा ने उस दुध नूं इस तरह चिट्टा बनाया खून विच्चों जिवें साबण नाल कपड़ा धोईए, कपड़े की मैल चली जाए तो कपड़ा चिट्टा हो जाता है। पर यह है साडे शरीर का कुछ जो गुरबाणी ने कहा ढांचा किवें बनता है, इहनूं एक होर बेनती करदे आं। इस तो अगे महाराज जी ने एक होर बचन कहा आनंद साहब, क्योंकि आपां तुरना है इहदी शुरुआत, इहदे इंद्रे, इहदे अंदर दी ताकत, इहदी शक्ति, इहदी एनर्जी किस किस रूप विच अंदर सब कुछ प्रवेश हो रहा है। गुरुदेव दी पौड़ी है कि खर जियो गुफा अंदर रख के। हुण देखो जदों शरीर दी बंतर बन गई ते गुरु ने उसनूं बार मुखी ढंग नाल बयान किया, हर जियो गुफा अंदर रख के, खरी ने इस जियो नूं जिंद नूं शरीर गुफा विच रख के वाजा पवन वजाया, सवासां दा वाजा वजा दिता, ते जो कुछ दिस रहा यह की महाराज कहिंदे नौ द्वारे प्रगट किए। इत्थे एनर्जी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ जो प्रगट द्वार ने जो तन का ढांचा है, नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरु द्वारा लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया, पर नौ दरवाजिया का जिक्र किया। इस तो अगे जदों बाणी नूं आपां पढ़ने ते हजूर ने पांच कर्म इंद्रे ते पांच ज्ञान इंद्रिया का जिक्र किया। मैं ता शब्द लए ने कि पांच दो किवें बनते ने, किवें बंदे दे अंदर प्रवेश करते ने, किहड़े रस्ते ने जिहड़े दो बंदे दे अंदर नूं पौंदे। हुण ओ पांच कर्म इंद्रे, पांच ज्ञान इंद्रे,
ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਸਾਂਖ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ, ਪੰਜ ਠੱਗ ਨੇ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਗੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਤਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਾਤ ਜਾਂ ਗਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੇ ਆ। ਉਂਝ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ੀਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ੀਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਰਨ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਜਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੋਜ ਬਣਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਗੰਢਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ, ਕਾਇਤ ਕਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਾਤ, ਬਿਨਸ ਜੈ ਹੈ ਤੇਰੋ ਗਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇਹੀ, ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਾਤ। ਗਾਤ ਨੂੰ ਗਾਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੋਡ ਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਤ ਤਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ,
जन्म तो लैके मौत तक तन गतिशील ही रहिंदा है। जे ये गतिशील ना होवे ते जन्म तो बाद मौत दी झोली विच क्यों चला जाए। मैं बेनती कीती कि इन्हां शब्दां दे अर्थ भी अपने ने। हुण आ देही नूं महाराज जी ने कहा कि यह पंजां तत्तां दी बणी। पंज तत् बड़े स्पष्ट ने, उहनूं गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ी वारी कहा, कल्ली देही नहीं, महाराज जी ने ते कहा कि पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साजी। यह सृष्टि पंजां तत्तां दी, उस विच पाणी है, पौण है, अग है, मिट्टी है ते हवा है। यह पंज तत् ने। मैं जो दोख दे अर्थ कर लगा कि एक एक दोख एक एक जीव नूं है ते इकल्ले बंदे नूं पंज चंबड़े ने। हुण देखो एक पशु दा तन भी तां पंजां तत्तां दा है, पर परमात्मा ने जो मनुख नूं दो दिता वो पशु नहीं दिता। कल नूं रविदास साहिब कहणगे कि पशु कोल सोच नहीं, पशु कोल पुन पाप दी विचार नहीं, उहदे कोल ना सोच होण दे बावजूद भी कई बुरियाइयां ते सुभावक ही उहदा निरंतर है। ते तू मनुखा देही भी लैण तो बाद भी अपने अंदर झाती मार के देख, तेरे अंदर तो वासना ने तूफान मचाया होया है। क्योंकि अज दा मैं कल भी बेनती करनी है, शब्दां नूं गहराई नाल हजूर ने इत्थे शब्द वरते। पंज तत् ने, पंजां तत्तां दा इक इक गुण है। यह पंज गुण ने शब्द, स्पर्श, रस, रूप ते गंध। जिहड़ा पाणी दा तत् है इहदा गुण है रस। जे पानी नहीं खोवेगा तो सच एवे रस कदी नहीं पैदा हो सकता। जितना मर्जी कीमती फलदार रुख होवे, जे ओदियां जड़ां विच पानी नहीं देंदे तो कई बार अक्सर बागबानी करन वाले बागां दे मालक कह देंदे ने कि ऐद की तां फरूट विच रस ही नहीं भरिया। जे पुछिए क्यों रुख तां ओही कहन लगे इस बार मीह नहीं पिया। जे पानी नहीं खोवेगा ते रस नहीं भरेगा, क्योंकि पानी का जिहड़ा गुण है वह रस है। किवें दोष बनते ने, पंच दोख कित्थों बनते। उस तो अगे असी देखने अग है। हुण अग का जिहड़ा गुण है, जोत का जिहड़ा गुण है वह है रूप। इहनूं आपां निग नाल नहीं अर्थ करांगे भी उहदा गुण सेक देना, इहदा अर्थ है रोशनी, रूप, चानण। अग का गुण है रूप। उस तो अगे आ जाती है खवा। हवा एक तत् है ते इहदा गुण है स्पर्श, क्योंकि हवा चलती है। अगे मैं इंद्रियां दा जिक्र करना भी केड़े केड़े इंद्रे नाल किस किस तत् दा संबंध है ते किवें ये गुण जिहड़े ने जदों दोख बनते ने। सच एवे गुण जिहड़े ने वह भला भी कर सकते ने, पर जदों गुणा वाली बिरती औगुणा भी तब्दील हो जाए ये तबाही भी कर सकते ने। बेनती की अग, अग दा है रूप। उस तो अगे खवा है। हुण हवा का जिहड़ा गुण है वह स्पर्श है, वह दिसदी नहीं, सिर्फ टच करन नाल स्पर्श नाल पता लगता है हवा। उस तो अगे चौथा तत् है मिट्टी। मिट्टी का जिहड़ा गुण है वह गंध है, उहदी जानकारी। ते पंजवां तत् आकाश। ते आकाश का जिहड़ा गुण है वह शब्द है। इहनूं विधान के अर्थ ना समझियो, क्योंकि जदों पंज दोखां की गल चलती है जिहड़ा तत् साडे शरीर ते ज्यादा प्रभाव पाउंदा है सच एवे अपने इंद्रे नूं धू के लै जांदा है। पंज तत् हो गए, पंज गुण। मैं यह ना समझो कि कुलास ला रहा। पानी का तत् रस, पानी तत् का गुण रस, अग तत् का गुण जिहड़ा है वह रूप, हवा तत् का गुण जिहड़ा है वह स्पर्श, मिट्टी तत् का गुण जो है वह गंध, ते आकाश तत् का जिहड़ा गुण है उहनूं आपां शब्द कहिंदे। यह अजे तक गुण ने। हुण इन्हां गुणां नूं ग्रहण करन वाले उन्हों गुरु ग्रंथ साहब ने पांच ज्ञान इंद्रे क्या है। ज्ञान क्योंकि उन्हें गुण लेना है, ज्ञान लेना है। वो इंद्रे जेड़े ने ये गुण इकट्ठे करके ज्ञान लैके बुद्धि राही साढ़े शरीर विच प्रवेश कराते हैं। किवें दोख बनते वो पांच ज्ञान इंद्रे केड़े ने जिन्हों एक एक दा गुण का पता है। वो पांच ज्ञान इंद्रिया पहला ज्ञान इंद्रा साड़िया अखा ने, दूसरा ज्ञान इंद्रा साडे कन ने, तीसरा ज्ञान इंद्रा साडा आ जेवा कह लो, रसना कह लो, चौथा ज्ञान इंद्रा बंदे दा नासका है, ते पंजवां ज्ञान इंद्रा साडे तन ते पूरी दी पूरी जड़ी चमड़ी है, पैरां तो लैके सिर तक, सिर तो लैके पैरां तक
पूरे का पूरे तन की ढकी कोई जी चमड़ी है ना जिन्हें तन न ढकिया यह चमड़ी एक ज्ञान इंद्रा है पांच ज्ञान इंद्रे हुण पांच कर्म इंद्रे ने एक ए मत समझो मैं फिर शब्द दौरान लगा क्यों किते से टकान बेनती समझो किते किसी किसी होर मत की गल नहीं कर रहे हुण जो शर्म खंड की व्याख्या करांगे तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध ते इहदे अर्थ कित्थों लभांगे फिर कला माइंड अर्थ किया अंग्रेजी वाला गल ते नहीं बननी सुरत दे अर्थ अपने ने चित दे अर्थ अपने ने मन दे अर्थ अपने ने बुद्ध दे अर्थ अपने ने इन्हां सारियां नूं आपां अंतशाकरण भी कहने हुण आ साडा शरीर है मैं अर्थ किते सीधा जी गल काया दे शरीर पर सियाने तां भी कहिंदे ने कि एक शरीर नहीं एक शरीर विच दो शरीर होर समोए हुए ने एक है स्थूल पंजां तत्तां दा भावें नूं कई वारी वेदांत नाल अर्थ किते गए पंजां तत्तां दे शरीर विच स्थूल विच एक शरीर है सूक्ष्म शरीर जिन्हों सतारा तत्तां दा मन्निया जांदा है इहदे विच 25 प्रकृतियां भी ने हुण इह गुरु ग्रंथ साहिब शब्द जी दा पचाका मार के अगे निकल जांदे क्योंकि इहनां दी गिनती मिनती करन लई जरूर खोज करनी पैगी 5-25 मोह मह मदसर आदि परबल माया गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द है हुण इह जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੂਕਸ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਥੂਲ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਉਹ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਏਵੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਲੁਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਂ सुपना एक सिर्फ झलक है पर वह निक्की जी झलक जी अंज लगती है सारी रात लंघ गई इस विचों जदों सूक्ष्म शरीर सुपने च निकलता है तो सुपना जन्म ता लैंदा जो कुछ आप चेते करने पए जो चेते विचे वह सुपने का रूप धारण करता है तो सच एवे कि जिन्हां बंदियां नूं जागदियां दी जिस चीज़ की इच्छा है वो प्राप्त नहीं होंगी वह सुपने मानन लग पैंदे ने इसे करके लोग कहिंदे ने जो जिंदियां ना जागदियां ना मिले वह सुपने विच मिल जांदा है ते कई वारी असीं कहिंदे आ जिहड़े बारे तू सोचना इहदा सुपना भी कदी ना लई इहदा मतलब कि खो नहीं सकना सुपना पूरी कर दिंदा वह चीज़ हुण जदों वह शरीर निकलदा है विचों ते वापस मान लो तुरिया जा रहा है बंदा सुपने च सुपना आउंदा है दुखदायक है ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਈ ਕਈ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਅਚੇਤ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਯੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਰਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪਸੀਨਾ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਨੇ ਖਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਖਰਕਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਬੋਡੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਸੀਨਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੀਸਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੈ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ मान लो कणक का बीज कह चणिया का बीज कह अपने घर च इतने चलो कुछ बीजते हो जेड़ा बार मुखी से कहने बीज दरअसल वह बीज नहीं वह बीज के उपर आया होया एक छिलका है जदों बीज निकलना उदो छिलके ने एक पासे हो जाना है
उस बीज विच एक बीज है ते सच एवे उस बीज विच एक होंद टिकी जिहड़ी रुख नूं जन्म पई दिंदी है। एक बीज विच भी तीन किस्से लगदे पैन, स्थूल है, सूक्ष्म है, इस तो अगे कारण है। हजूर ने जदों जिक्र किया पंजवें ज्ञान इंद्रियां दा, जिहड़े गुणां नूं ग्रहण करदे किवें दोख बणदे ने, पंज गुण ने प्यारिओ। अखां नाल देखना कोई माड़ी गल ते नहीं, यह रब का दिता गुण है। तो अखां वह ज्ञान इंद्रा ने जिहड़ियां बाहरों देख के बुद्धि राही साढ़े अंदर प्रवाह चलांदियां ने। सुनना कोई माड़ी गल नहीं, कन रब ने सुन वास्ते दिते ने। सच एवे के शब्द वह गुण है जिन्हों सुन दे नाल बंदे दे अंदर दे ज्ञान का वाधा हुंदा है। आ साडी रसना है, असी भोजन छकने हाँ, इनू ज्ञान पता है रस का, यह खट्टा मिठा लूणा सलूणा सब कुछ इनू पता है, पर माड़ी गल नहीं है। रब का दिता ज्ञान है रसना, उस तो अगे नासका है, भावें के सुगंधी कदी किसी नजर नहीं आई। हुण जे आप सुगंधी कन्ना न लभण तुरांगे, नहीं कन्न का विशा ही नहीं सुगंधी, अखां का विशा ही नहीं सुगंधी, जीभ का विशा भी सुगंधी नहीं, पर केवल एक नक ऐसा रब ने पैदा किया कि नासका नूं पता है कि गंध ते सुगंध दा, एक गंध सुगंध बुद्धि रही अंदर प्रवेश करांदा है। हुण चमड़ी है, इहदे कोल इह स्पर्शता दा ज्ञान है। मैं फिर शब्द दोहराण लगा, पंज तत् ने रब ने पैदा किते, पंजां तत्तां दे पंज गुण पैदा कर दिते, पंज गुण बंदे दे शरीर ते उत्ते असर करन वास्ते रब ने पंज ज्ञान इंद्रे पैदा कर दिते। पर यह शरीर इस पिंड नूं ब्रह्मांड तो असीं वख नहीं कर सकांगे, कि ब्रह्मांड की खोंद साडे पिंड नूं जिंदिया नहीं रख रही। जे ब्रह्मांड विच हवा पौण नहीं तो पिंड किवें जी सकेगा, जे ब्रह्मांड विच पानी नहीं तो पिंड नूं ताकत कित्थों मिलेगी, जे ब्रह्मांड आकाश नहीं तो इस शरीर नूं शब्द कौन पहुंचाएगा। परमात्मा ने जो कुछ ब्रह्मांड विच पैदा किया उहदा संबंध पिंड नाल बना दिता। हुण इह पंज जिहड़े परमात्मा ने तत् पंज गुण ते पंज इहनां दे ज्ञान इंद्रे, हुण इह दो किवें बणदे, मैं अगली बेनती कर लगा, क्योंकि अज जिक्र किया दोखां दा। पंज दोख कहे ने, भावें असीं इहदे अर्थ अगे पंज विकार भी करांगे, पंज विशे भी करांगे। हुण जदों भी असीं बोलने आ कि शब्द कहिंदे विशे विकार, हुण विश दा अर्थ की है जी, विश दा अर्थ है जहर, पॉइजन जिहनूं आपां कह रहे हैं। पर उस जहर विच ते इस विशे विच अंतर है, बाहर दा जिहड़ा विश है जहर है, शब्द दे लई विश वरते हैं, फर्क इहना कि बाहर दा जहर जिहड़ा पींदा है उहनूं ही असर करदा है, उहनूं ही मारदा है। बाहर दा जहर खाण ते पीण नाल मारदा है, पर यह विशे तां ने क्योंकि इहनां दा चेता करन दे नाल ही शरीर उत्ते असर हो जांदा है। सिर बंदा चेता करता विषय को असर हो जाता है। थोड़ा जा फिर पिछोकड़ वाल, क्योंकि मैं तरतीब बना के दे अर्थ करने चाहना हाँ। पंज दोख ने अखा जिन्नी देर तक रूप नाल जुड़िया ने, क्योंकि इन्हों का संबंध अग नाल है, जे चानन नहीं तो अखा का चानन भी नहीं। हुण रात नूं जदों खनेरे च आपां तुरने आ, किवें असीं जुड़े हाँ तत्तां दे नाल, ते रात नूं खनेरे विच नजर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं दिस रहा, कि बंदे दीआं अखां ठीक नहीं। अखां बिल्कुल आरोग ने, तंदुरुस्त ने, पर अखां कहिंदियां ने कि साडा संबंध रूप दे नाल है, असी भी तां देख सकनियां जे पहला सानू बाहरों रोशनी दिखाए, बाहर दी रोशनी खोवेगी ते साडी रोशनी काम करेगी, क्योंकि तत् नाल जुड़ियां ने। हुण देखो जीव है, इहदे विच ही रस पानी क्यों टिकिया रहिंदा है, अखां च पानी आए डॉक्टर कोल जाने आ, कन्नां चो पानी निकले डॉक्टर कोल जाने आ, नासकां चो पानी बंदे दे वगे तुरिया फिरदा कि मैं बीमार हाँ, मैनूं जुकाम लगा है, पर जदों इहदे मूंह विचों पानी सुकदा है उदों क्यों डॉक्टर कोल जांदा है, क्योंकि इस जीव का संबंध किसी रस नाल है। पर दूजी गल पूरी का नहीं, पूरे वजूद का बिल्कुल नहीं संबंध। आ कदी जीव तो थले कोई चीज रख के देखो, स्वाद आया कभी? सिर्फ परमात्मा ने इस रसना के उपर जी निकी जी चमड़ी की तह लाई है ना,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਉਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਆ 5-4 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪੜਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੋਟਲੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜੀਵ ਓਏ ਵੇਖੋ ਉਹ 3-4 ਇੰਚ ਚਮੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੁਣ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਪਤੰਗਾ ਵੀ ਭਾਉ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੋਗ ਹੈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਰਨ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜ ਦੇਣਾ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣ ਸੁਰਾਖ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਲੰਮਾ ਉਹ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੰਡਾ ਗੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜਦਾ ਤੇ ਖਰਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੋਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਆਈ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਲੁਪਿਆ ਲਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੱਥੇ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਤੀ ਖਰਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋਖ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਸ ਸੀ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਮੱਛੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਮੱਛੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜੀਵ ਖਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਟੀ ਮਾਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੱਟਦਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਹ ਨਾਸਕਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਭਵਰੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਕੀ ਹੋ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਭਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜ ਜਿਹਾ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਧ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੰਧ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸਮੇਟਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਹੋ ਗਏ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਖਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਸਕਾ ਦੀ ਗੰਧ ਨੇ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 4th-5th ਜੋ ਬਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਏਡਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੱਡਾ ਪੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਹਿਰਾ ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
छोटियां लकड़ां रख के पराली आद करा के उत्ते मिट्टी पा दित्ती। उस खड्डे दे बिल्कुल दरम्यान जे अद्धा खड्डा छड़ के ऊपर कागज दी बनी कोई एक हाथनी दा ढांचा खड़ा कर दिता, पर हाथी नू मार गया स्पर्श दा औगण दुख। ओ उस वजूद नू देख के, हाथनी दे वजूद नू देख के दौड़िया, पर जदों ओ तेजी नाल खड्डे ते आया अजे उस बुत तक काल बूत तक तां पहुंचया नहीं, बस भार इन्ना सी खड्डे च डिगा। महावत ने मार मार के सिर च कुंडे एडे वड्डे हाथी नू गुलाम कर लिया। महाराज कहिंदे ने एक एक दो खे इन्हां नू, एक नू अखां दा, एक नू कन्नां दा, एक नू जीभ दा है, एक नू नक दा है, एक नू चमड़ी दा है। ते भगत रविदास कहिंदे जे तेरी गल करिए बंदिया तेनू तां कल्ले नू पंज चमड़े ने, तेरा बचा किते हो जाए, किवें तू बच सकना है। देखो ये पंज गुण पंज दोख बनते ने, पंज दोख जड़े ने पंज विषय बनते ने, अंदर बंदे दी चितवनी पैदा करते ने जहर वाली। पंज विषय जड़े ने वो पंज वकार बनते ने, उन्हां पंजां वकारां नू गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा काम क्रोध लोह मोह ते अहंकार। मैं अर्ज शुरू की सी तन दी बनतर तों कि एक पानी ते एक मिट्टी उहदे तों शुरू होया है। परमात्मा ने ढांचा बना दिता पंजां तत्तां विचों, पंज कर्म इंद्रे ते पंज ज्ञान इंद्रे बना दिते। पंज ज्ञान इंद्रियां नू पंजां तत्तां दा एक एक गुण दे दिता, पर जे इन्हां तत्तां दे गुण नू गुण बना के कोई वरतेगा सच एवे उहदी जिंदगी विच सुख पैदा हुंदा है। ते जदों ये गुण बंदे दे इंद्रियां लई विष बन जांदे ने उदों वकार बन जांदे ने, ते जिहड़ा बंदा वकारां विच प्रविरत हो जाए सच एवे उहदे अंदर दी पूंजी सारी लुट्टी जांदी है। अगे असीं बाणी च थोड़ा जिहा तुरीए गुरु ग्रंथ साहिब च, क्योंकि मैं आरंभ च कहा मैं दो दिन की गल तो करनी है, पर थोड़ा जिहा मेरे अंदर भय कह सकना मैं एक, क्योंकि कई कहना कि कथा शुरू कर बैठे ने, क्योंकि असी अपने औगण की गल करने तैयार नहीं। मैं कल सनोजे बेनती की कि फकीर सारी दुनिया घूम के आया नौजवान, रब ने अंदर की चेट कलाई, उन्हें ज्ञान वंडिया, तो जो वापस आया वह मित्र से एक राजा। अज मैं दौरान लगा सिर्फ संखेप जिया, उन्हें आके क्या फकीर दोस्त जी आया क्या, कहिंदा तू इन्नी दूर देर दा बाद आया है, सारी दुनिया तू घूमी लोगों नू ज्ञान वंडिया, मेरे की लैके आया, मेरे लिए की लिया है। उन्हें कहा मैं तू मेरा मित्र है, मैं तेरे लिए लैन बहुत कुछ गया, पर जो बाजार जाता सा मैं चेता आ जाता सी ये भी चीज तेरे घर है, हर चीज तेरे घर सी। कहिंदा फिर मेरे लिए कुछ नहीं लिया। फकीर ने पाटा जिहा झोला पकड़िया, कहिंदा एक चीज तेरे वास्ते आती है पर देनी तेनू कल्या नू, मैं लोगों सामने नहीं देनी। राजे भी समझिया भी बड़ी कीमती होगी कोई चीज, कहिंदा चल चल फिर खूने कित्थे देंगा, कहिंदा अपने कमरे च चल। राजा खुशी नाल तुरिया, फकीर ने झोले झट पाया, एक भुरिया जिहा शीशा कढ दिता दर्पण, छोटा जिहा शीशे का टुकड़ा कढ़िया, कहिंदा तेरे लिए लैके आया। राजा कहिंदा मेरे लिए इहदा मैं की करांगा, कहिंदा मैं इस करके तेरे लिए आया वा, अक्सर बंदे जदों इस पदवी ते बैठते ने वो अपने आप नूं वेखना बंद कर देंदे ने, मैं शीशा तां लियांदा तेनू अपना आप वेखण दी जाच आ जाए, तेरे कमरे विच मैं लिया तां वा, कदी बैठ के देख मेरे अंदर दी खालत की है। हुण जदों पंजां दा जिक्र चलदा, सब तो पहला काम दा जिक्र चलदा, ते जिन्हों लोग पछम दी सभता कहिंदी, ते इह खवा हिंदुस्तान विच वी ऐ कहना भी वाहिगुरु कृपा करे लोग डरदे मारे पड़दी पाई जांदे ने, बचिया कोई भी नहीं, जे कोई खरे हो बूट रहे हो नहीं। पर जदों असीं गुरबाणी नूं पढ़ांगे, आखिर गुरबाणी ने समस्या का हल किया, हजूर ने कहा इहनूं फिर पंज वकार कहिंदे आ गुण। मैं फिर शब्द दोहरा लगा, गुण सन जहर बन गए, विषय तो वकार बन गए। इहनू फिर बाबे नानक ने अपनी रचना च एक शब्द क्या कहन लगे कि अवर पंच हम एक जना, बाकी पंज ने मैं तो कल्ला हाँ, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखूं घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। महाराज जी ने एक होर बचन किया,
इस देही अंदर पंच चोर वसें, काम क्रोध लोह मोह अहंकारा पांच दोख असाध जाम है, जिन्हों भगत रविदास साहब कह रहे जिदे अंदर पंच दोख ने ताकि के तकास। इस देही अंदर पंच चोर वसें, काम क्रोध लोह मोह अहंकारा अमृत लूटे मन मुख नूं बूझे को ना सुने पुकारा अंदर नूं लुट दे। गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत रविदास साहिब ने कहा नाथ कछु ना जानू मन माया कै हाथ बिकानू, तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी हम कहियत कलजू के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, इन्हां पंजां ने मेरे इंद्रियां नूं टिकन नहीं दिता। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल खारजी ते अंतर पारियो दूरी बनाई। भाई साहब शामी ते शब्द पढ़ के गए कि हे मेरे मालिक के पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण खारे। ये पंज कले ने, इहदा परिवार भी बड़ा वाधा जी। बाबे फरीद ने 50 कहे, कह लगे सरवर पंखी खेकड़ो फाही वाल 50। क्योंकि मैं शब्द दे अर्थ करने ने, जे उंज असी एक एक नूं लै के बह जाएंगे ना 50 की गिनती भी कर देंगे बाणी विचो। सरवर पंखी खेकड़ो फाही वाल 50, ए तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस। पंज ने फिर बचिया कौन जी ए तो? प्यारियो सिर्फ लिशक पुछ के जिदा पता लग जाता है वह असल च पतत हो जाता है, जिदा पता नहीं लगता वह संति बनिया रहिंदा। बचिया कोई माई का लाल नहीं, कोई कोई। गुरु अर्जन साहब का एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब च, मैं उहदे सिर्फ अर्थ करके अज की समाप्ति करांगा। अज मैं प्रकरण नूं शुरू किया है, तो पहले दिन जदों जिथे शुरू करिए ना थोड़ा जहा टाइम लगता हों, खलबली मना च मची हुंदी है, टिका बनता है थोड़े समय बाद। गुरु साहब का शब्द है चार वर्ण चौहां के मर्दन, चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद ते वैश। मनु स्मृति ने जो किते चेते रखियो, बाणी ने कोई वर्ण नहीं जे मंडिया, बाणी विच जात करके कोई दर्जा बदरजा नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच करमा करके दर्जा बदरजा है, जियो जे कर्म बंदे दे। चार वर्ण चौहां के मर्दन, वैसे एक मर्दन का अर्थ मलना भी है। इत्थे मर्दन इहनू बहुवचन च लांगे, आ पाठ कई बार सज्जन की करदे, मैं ये नहीं किसी ते तर्क कर लगा। मेरी मेरी कैरो करते दर्योधन से भाई, बारह जोजन शत्र चले था देही गिरजन खाई। ठीक है विश्राम लाने वाले भी किते गिरज ना खाई, गिरजा ने नहीं खाधी, पर नन्ना इत्थे बहुवचन है, गिरजन खाई तन गिरजा ने खाधा। ते इत्थे असल च शब्द मर्द नन्ना ना लगा, मर्दन बहुवचन। चार वर्णा दे मर्द बंदे जेड़े आगू ने, जेड़े लीडर ने, जिन्हां दी समाज सुनदा है। चार वर्ण चौहां के मर्दन खट दर्शन कर तली रे, खट दर ते शे दर्शन दर ते शास्त्र, तली दा अर्थ है खत दियां तलियां। कहिंदे ने चार मर्द चार वर्णा दे मर्द, ते ओ विद्वान बंदे जिन्हां नूं सारे दे सारी फिलोसफी कह लो उहनां दी खत दी तलियां ते उंगलां ते गिणी पई। चार वर्ण चौहां के मर्दन खट दर्शन कर तली रे, सुंदर अत दे सोहणे वी ने, सरूप ने, सुगर ने, सियाने ने, सुंदर सुगर सरूप सियाने। पर महाराज कहिंदे ने पांचो ही मैं छली रे, इन्हां पंजां ने उहनां नूं छलिया होया है। जिन मिल मारे पंच सूरबीर, जिन्हां ने पंजां नूं मार दिता ऐसो कौन बली रे, कोई है बली सूरमा जिन्हें पंज मारे। जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा है कली रे। हां यह केवल कहन मात्र नहीं, जिन्हां ने मारे। मैं एक छोटी जी उदाहरण दे के समाप्ति करना, कल नूं असीं पंजां दा विस्तार नाल जिक्र करना। काम की है, क्रोध की है, क्योंकि कथा विच कीर्तन च ते हर वक्त चलता रहिंदा, पर व्याख्या वेले असीं अपने आप नूं संकोचने। मैं यतन करांगा कि सही शब्दां दी बनतर चोण लै के उन्हां दा जिक्र जरूर किया जाए। जेड़ी बंदे दी शुरुआत मरण तक वो खैड़ा नहीं छड़दी,
किवें पदायश हुई इहदी, पर जिन्हें काबू पा लिया, जिदे कोल शब्द दा रस आ गया, सच एवे विषय वकारां दे रस तो वह उपर है। हजूर सिंगला दीप जांदे ने, तन गुरु नानक साहब जी नूं आपां श्रीलंका कहिंदे हां, ते राजे शिवनाब नूं जाग लाई सी भाई मनसुख ने, क्योंकि मनसुख उत्थे पहुंचे, उन्होंने रात नूं चुल्हा बाल दिता, ते राजे दा राज सी हुक्म सी कि वर्त रखना, किसी ने चुल्हा नहीं बालना। जदों उत्थे चुल्हा बड़िया, प्रशादा तैयार होया, उन्होंने हुक्म अदूली दे दोष विच भाई मनसुख नूं कैद कर लिया गया, ते जिथे कैदखाना सी वह बिल्कुल राजे दे महल दे नजदीक सन, काल कोठड़िया। अद्धी रात नूं किसे दे गाउण दी आवाज आई, काल कोठड़ी च बंद, नुकीले पत्थरां ते बैठे भाई मनसुख। उन्होंने अद्धी रात नूं शब्द गाउणा शुरू किया, ते राजे ने दरवाजा खुला के उस टाइम बुलाया, कहन लगे बुलाओ इस कैदी नूं। वह कहिंदा मैनू चिंता लगी है, मेरे राज ते हमला होना, मैनू रात पर नींद नहीं, ते तू बड़े आराम नाल मच्छरां विच इस नुकीले पत्थरां ते गा की रहा है। ते मनसुख ने इको गल कही सी, कहन लगे तेरे कोल तन दा हर सुख है, मेरा मापिया ने नाम मनसुख रखिया, पर जेड़ा मैनू मुरशद मिलिया सचमुच उन्हें मैनू मन दा सुख सिखा दिता है। मन दा सुख पत्थर उत्ते भी हो सकता है, मन दा तुक सुख सूली उत्ते भी है, मन दा सुख आरे थले भी है। मेरा नाम मन सुख है, मेरे कोल अंदर दा सुख है। उन्हें कहा दस वो केड़ा होए जेड़ा पत्थरां उत्ते बैठिया नूं भी सुख सोहलड़े सुनाई जांदा है। उन्हें कहा गुरु नानक साहब। जदों गुरु नानक कहा, कहिंदा मैनूं लै चल, मनसुख जी ने इको गल कही, भाई साहब ने जान दी लोड़ नहीं, कमान दी लोड़ है। कहिंदा मैं शब्द समझदा नहीं। कहिंदा लोग बहुत जांदे ने तीर्थां ते पर कमांदे कोई नहीं, तू जा ना तू कमा। उन्हें शब्द सुनाया, शिवनाब ने पल्ले बन लिया। ज्यों ज्यों शब्द पढ़े अंदर बैराग दी कांग उठे, अंदर बैराग पैदा होया, बिरह दी कांग उठी। सचमुच ज्यों ज्यों बिरिया उठिया, उन्हें छड़ दिता राज भाग एक पासे, गुरु नानक नूं पुकारन लगा। ते जदों उस दी हालत देखी बावलियां वाली, ते आम तौर ते ज्ञानी बंदे, ज्ञानी दर्द कला कथा करन वाला नहीं, बोधक तल दा ज्ञान रखण वालियां नूं रब्बी प्रेमियां दी कोई सार नहीं हुंदी। गल दोनों ही रब दी करदे आ। देखिया भी बंदा रोई जांदा है राजा होके। मंत्रियां ने कहा राजन की हो गया तेनू। इत्थे फिर चार सत्रां कविता दियां लिखियां ने एक विद्वान ने। मनसुख ने कहा, वाहगुरु इन्हें शिवनाब ने कहा, कहिंदा मनसुख जो इत्थे आया सी वो मन दे सुख सिखा गया, रस झूंज विच मस्त सी, ओ मैनू भी चेटक ला गया। कहिंदा मेरे उजड़े वीरान दिल दे अंदर एक दी याद वसा गया, तू कोई धू कलेजे पा गया, कोई बिरहों दी शो लगा गया। ओ कहिंदा सी बस कर याद तू इत्थे ही आ जावेगा, दसो नी मेरा वालड़ा मेरा बाबा नानक कद फेरा पावेगा। एक बिरहा सी। हुण जदों पता लगा भी राजे नूं हो गया बैराग, उदों नाले पखंडी सारे उठ बैठे, सारे नानक बन के तुर पै जी। उन्हें कहा भी सिख कोल मिलिया ठंड सी, ते इन्हां कोल मिलिया, उन्हें सारे अंदर सड़ दिते। जदों सारिआं नूं कैद होई, सच एवे कि एक दिन सतगुरु गुरु नानक साहब जा पहुंचे, बाग च पहुंचदे ने। इतिहास कहिंदा सुक्का बाग हरा हुंदा है। हुण आपां इधर आपां कहण लग पवांगे मैं क्यों हरा हो गया जी, किवें हो गया। मैं कहना जाके देखो बड़ा कुछ ऐसा जिहड़ा अज भी हरा खलोता है। नानक मते दा पिपल अद्धा सड़िया, अद्धा अजे भी चमका मारदा जिथे छट्टे गुरु हरगोबिंद साहब ने मारे ने। असी डरन लग पए हां गुरु दीआं इन्हां आश्चर्य खेडां तों। सानूं डर लगदा है भी जे अर्थ कर दिते लोकी की कहणगे। गुर वणतण हरिया कीतिआ,
गुरु तो टुटे हुए तिनके भी दोबारा जिंदे कर देता है। उन्हें जिथे दातन करके टुकड़ा सटे दातन विचों भी रुख जम पे, बड़े रुख ने ऐसे। पटना साहब जाओ, एक गुरु का बाग है, वह करीम बख्श ते रहीम बख्श दा सी, सुखा सी, पर जदो गुरु तेग बहादुर ते गुरु गोविंद राय मिले ने पहली वरी पिता दे दर्शन किते, पांच साल दे पुत्तर नू गुरु ने जदो गोद चुकिया कहिंदे सीने न लाया ते सुका होया बाग भी खरा हो गया सी। उन्हूं अज भी गुरु का बाग कहिंदे, सुका खरा होया। कहिंदे शिवनाव नू किसे दस्या, उह कहिंदा हो सकदा कोई करामाती होवे। मैं अर्ज कीती हैण पांच दोख, तां मैं अज थोड़ी जी भूमिका बना लगा कि आपां उस गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे सिख कहौने हां, लाज उन्हें रखनी है। उन्हें कहा भी बुलाओ ना, रात पै गई है, गीत संगीत का प्रबंध करो। उन्हें नृतकियां बचाइया बुलाइया, नचण वालियां बुलाइया, रात पहुंचिया, मिशालां जगा के साज वजन लगे, वह नाच कर लग पईआं। बाबे कोल भी साज है, उन्हां कोल भी साज ने, पर फर्क बड़ा जे कि बाबे दा साज जहर उतारद, जदों उन्हां दा साज वजद ते नचदियां ने उदों जहर उबाले खांदा है। नाच शुरू होया, बड़े खां भाव कीते। अद्धी रात नूं सतगुरु ने नेत्र खोले, जदों थक टुचियां ने, अक चुकियां ने, नचण वालियां गाउण वाले इको शब्द क्या कहन लगे, मरदानिया छेड़ रबाब शब्द आया। शब्द इको, मैं उहदे च इक तो कह देना, कहन लगे गाछो पुत्री राजकुमार, हे बचियो धीओ बेटियो। यह शब्दावली किस अंदर पैदा हुंदी है? अज तो लोग अपने रिश्ते पालते हुए भी, मित्र कह के भी उस घर भी जांदे आ, अपनी नजर नूं मैली करी रखते ने। मेरे गुरु नानक कोलो शब्द कहे जिन्हों नचन वालियां विच्चों भी धियां दा अक्स दिखाई देंदा है। गाछो पुत्री राजकुमार नाम बनो, सच दोत सवार बेटियो, जाओ अद्धी रात नचदियां लंघी, रब दे जपण दा वेला हो गया, उस रब नू जपो। किन्ना चर होया नचदियां, कहन लगे जिस दिन दी सुरत संभाली साडी किरती है वे, कहन लगे इन्ना समा लोकां नू नच के दिखाया, किते मन नू गुरु दे चरणा च जोड़ देंदियां ते अज ब्रह्म ज्ञान नू प्राप्त कर लेंदियां। पर गुरु दी नजर ने उस मलीनता नू चेंज कर दिता। ये असी अगे कल नू विचारांगे। अज धन गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत जी दा वचन है, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर। मृग दा अर्थ हिरन, मीन दा अर्थ मच्छी, भृंग दा अर्थ है भवरा, पतंग दा अर्थ है भंबट परवाना, कुंचर दा अर्थ है खाथी। एक दोख विनाश, इन्हां नू एक एक सिर्फ एक एक इंद्रे नू रासक है, एक एक नाल मारे गए। एक दोख विनाश, विनाश दा अर्थ है खत्म हो गए। पंच दोख आसाद सात ऐड़ा गेत्र लगा, आसाद दर्द जिदा इलाज कोई नहीं। पंच दोख आसाद जामे, जिस दे अंदर पंच दे पंच दोख बैठे ने। भगत जी कहन लगे ताकि के तक आस उस बंदे दी किन्नी को आस बाजूगा, किमें बचा सकदा। कल नूं मैं ये पंज जज्बियां दा जिक्र करना है, ते मैं पहला तुहाडे तो खिमाज तां वार वार मंग ली, क्योंकि कथा दी चीर फाड़ इस ढंग नाल ना करियो भी अज की सुनान लग पए। जो गुरबाणी ने कहा उन्हूं आपां जरूर विचार लईए, हो सकदा है कि इस अवैड़े मन नूं किते सोझी आ जाए। क्योंकि कल भी मर्ज कीती इंद्रे बिनसन तो बाद केड़े दोग छड़ जांदे ने। सतगुरु कृपा करे खोईयां भुल्लां बख्श देनियां। टाइम मैं आप जी का काफ़ी ज़्यादा ले लिया, पर जिन्ना कार विहार ते जाना वो गुरु सवारे जान, ते जिन्ना कुल टाइम है थोड़ा जा आपां नाम जप लईए, उदू बाद आपां समाप्ति करांगे। प्यार अदब नाल उचारण करो जी, वाहे गुरु वाहे।